और दिल्ली के पटपड़गंज में सनातन संत संसद का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया। इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लोगों को जागरूकता फैलाना है। हमारे संवाददाता भारती ने मौके का जायजा लिया। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम आए हैं दिल्ली के पटपड़गंज, यहां पर विशाल सनातन संत संसद का आयोजन किया जा रहा है माधवी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा। और यहां पर हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो आपका नाम? मेरा नाम मनीष शर्मा है। राधे राधे सभी को। राधे राधे। आपका इस जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हमारी जो किशन जी की भूमि है, जिसपे किशन जी का जन्म हुआ था, उस पर अवैध जो पुराने मुगल के टाइम के थे लोग, अतिक्रमण कर लिया उन्होंने, हमें उसे मुक्त कराना है, जितने जल्दी हो सके उसे मुक्त कराना है। बस हमें, हमारा ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम से। हम यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं कि हम जितने भी सनातनी हैं सब एक होकर एकजुटता से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो कितनी दूर तक जाएगी? ये पूरे भारत में जाएगी, भारत पूरे भारतवर्ष में फैलने के बाद, और ये काम जरूर होगा, जल्द से जल्द होगा, 2024 में ही होगा बल्कि। हमारे साथ कई और आयोजक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोहित शर्मा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जो आज किया जा रहा है? इस कार्यक्रम का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि मथुरा जन्मभूमि को मुक्त कराना है, और आगरा की जामा मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबा रखी हैं वामपंथियों द्वारा, उसको वहां से मुक्त कराना है। उस सीढ़ियों को वहां से उनको हटाकर वहां पे कृष्ण जन्मभूमि को स्थापित करना है। और जैसे पूरे देश में राम राज्य है और पूरा देश विष्णु के मार्ग पर चले, ये हमारी संकल्प है। ये मुकदमा 137 साल से कोर्ट में है, उसके बाद कई सारे केसेस भी कोर्ट में डाले गए हैं और जो ट्रस्ट है उसके द्वारा भी ये केस डाला गया है। आपको क्या लगता है इसकी सुनवाई कब तक हो जाएगी और राम मंदिर के बाद अब ये दूसरी खुशी कब तक सुनने को मिलेगी? देखिए, कल देवकीनंदन जी ठाकुर अपने देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे थे कि इस लड़ाई को कोर्ट में भी लड़ा जाएगा और कथाओं के माध्यम से जनमानस तक भी उसको बचाया जाएगा, और कानून के दायरे में रह के हम सारी चीज़ जो भी है वो हम करेंगे। और जल्द जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बना है वैसे श्री कृष्ण जी का मंदिर वहाँ पर स्थापित होगा, और जो वामपंथी हैं वो मेरी बात को कान खोल के सुन लें, जैसे सीना ठोक के हमने राम मंदिर बनाया है वैसे कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा। पहले आप कहते थे कि राम कौन है, बहुत जल्द आप कहोगे कृष्ण कौन है, और आप ये कहते रह जाओगे और पूरे विश्व के अंदर सनातन का डंका बसता जाएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण जन्मभूमि। आपको क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद जो कृष्ण जन्मभूमि है जिसको अतिक्रमण से आज़ाद कराने के लिए जो ये पूरी जंग छेड़ी गई है ये कहाँ तक कामयाब होगी? ये बहुत ही बड़ी संख्या में बड़ा संघनाद होने जा रहा है जिसमें हमारे देश के सभी संत आ रहे हैं। उसके बाद जो आज संघनाद होगा जिसमें महाराज जी ने बताया था जिस तरीके से 5 मुद्दे रखे जाएंगे, जैसे अपना वेब सीरीज है या जो भी हैं 5 तरीके के जो उन्होंने बताए हैं मुद्दे, उस मुद्दे के बाद बहुत ही बड़े विस्तार पे ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठने वाला है, और उस मुद्दे को हर एक भक्त हर एक सनातनी उस मुद्दे को उठाने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित गुप्ता है। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो महाराज जी ने मुहिम छेड़ी है, आपको एक सनातनी होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ पे मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियाँ दफन की हैं उन दूसरे लोगों ने, तो जब वहाँ से वो लोग अपनी नमाज पढ़ने या कुछ भी करने जाते हैं तो हम लोगों का सीना फट जाना चाहिए, क्योंकि एक राम थे एक कृष्ण थे, ये हमारे दो बड़े देवता हैं और हम लोग ब्रजभूमि से आते हैं, तो ये हमारा हर युवा का हर सनातनी का और हर हिंदू का ये कर्तव्य है कि उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़कर हमारे जो भगवान वहाँ पे दफन किए हैं उन लोगों ने, उनको निकालकर बाइज्जत उस मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मैं चाहूँगा कि आने वाली अगली जनवरी में श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक भव्य मंदिर का शुभारंभ होना चाहिए। जैसे कि महाराज जी इस टाइम सनातन संसद की आज बैठक कर रहे हैं जिसमें कि महामंडलेश्वर और भी बड़े बड़े जो दिव्य धर्मात्मा आ रहे हैं, तो आज उसी चीज़ का आह्वान होगा। और मैं इस कैमरे के और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मुहिम करना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि जितने भी युवा हैं सभी एकत्रित हो जाएं
और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रण करें कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर हमारा भव्य मंदिर मथुरा में भी बनना चाहिए। जय श्री। आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज तिवारी है। आपको क्या लगता है यहाँ से जो आवाज उठेगी वो कितनी दूर तक जाएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि 22 जनवरी को रामलला अपने स्थान पे विराजित हुए थे, वैसे ही अब कुछ दिनों बाद कृष्ण कन्हैया लाल जी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने तमाम आयोजकों से यहाँ पर बात की और सभी को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो जंग छेड़ी जा रही है वो जरूर कामयाब होगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अंशु गोयल। आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम के बाद सफलता हाथ लगेगी? 100%। कितनी दूर तक जाएगी आवाज उठ रही है आज, वो कितनी दूर तक जाएगी? जो हमारा उद्देश्य है मंदिर का वो हमारा पूरा होगा, हमें पता है, इसमें मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा 18 से 25 तक का जो प्रोग्राम रहा है, ये संसद का जो भी हुआ है प्रोग्राम, सभी लोग यहाँ पे यही गुहार लगा रहे हैं कि जैसे वहाँ पे हमें अयोध्या में सफलता मिली, ऐसे ही हमें बहुत जल्दी से जल्दी हमारा जो मंदिर है, हमारे जो कृष्णा जी का जो है वो मिले जल्दी से। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की और जो समारोह है वो काफ़ी भव्य है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। हमने श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश की और साथ ही साथ हमने कार्यक्रम के आयोजकों से भी बातचीत की और सभी का बस यही कहना है कि आगे आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी तैयार मिलेगा। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो गया, उस तरीके से जल्द ही श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्मभूमि भी देखने को मिलेगी।